हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू सेट अ गोल्स एज अ क्रिकेटर एंड अचीव इट। मतलब कि आपको एज अ क्रिकेटर गोल्स कैसे सेट करने चाहिए और कैसे उसको अचीव करना चाहिए, आज बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ और बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा यूनिक। तो गाइस, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी है, राइट। सो गाइज, अगर आपने अब तक हमें हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप अपने क्रिकेट को और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, मेंटली और फिजिकली और ज़्यादा ग्रो होना चाहते हैं, तो आप क्रिकेट स्टेप्स की ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप बहुत सारी यूनिक चीज़ें सीख सकते हैं और अपने गेम को ग्रो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें गोल सेटिंग कैसे करनी है और फिर उसको अचीव कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले बात करूंगा आपसे गोल सेटिंग के बारे में। जब भी हम गोल सेट करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप डायरेक्टली आईपीएल, इंडिया, रणजी ट्रॉफी या अंडर 19 इंडिया का गोल सेट नहीं कर सकते, राइट। अभी आप जिस एज कैटेगरी के अंदर हो, पहले उसका गोल सेटिंग करो कि आपको पहले अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है अपनी एज कैटेगरी में, उसके बाद आपको आगे जाना है। आपको अंडर 14 रिप्रेजेंट करना है, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 या फिर रणजी ट्रॉफी। जब आप ये गोल सेट कर लेंगे तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने गोल को रिव्यू करना डेली शुरू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। रिव्यू किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और रिव्यू क्यों करना है वो भी आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई अपना गोल बनाते हैं कि मेरे को अंडर 14 खेलना है एग्जांपल के तौर पे, या मेरे को रणजी ट्रॉफी खेलना है, तो अब आप उसको याद कैसे रखोगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर, जब मैं गोल बना लेता हूँ तो मैं उस पर फोकस नहीं कर पाता, मैं उस पर चल नहीं पाता, उसके लिए एक्शन नहीं ले पाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। और फोकस करने के लिए आपको, देखो, हमारे दिमाग की एक इंटेंसिटी होती है, जिस भी चीज़ को हम ज़्यादा याद करते हैं, जिस भी चीज़ को हम ज़्यादा देखते हैं, वो हमारे अटेंशन में आ जाता है, राइट। तो आपको अपने गोल को हमेशा अटेंशन में रखना है। कैसे रखोगे? सुबह और शाम आपको अपने गोल्स को रिव्यू करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका गोल है रणजी ट्रॉफी खेलने का, आपका गोल है अंडर 23 खेलने का, तो आपने अपने गोल्स, अपनी एक डायरी लेनी है जिसे हम लोग कहते हैं स्पायरल बाइंडिंग की डायरी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं जाकर। आपको एक स्पायरल बाइंडिंग की डायरी लेनी है और उसमें पूरे साल आपने गोल को डेली रिव्यू करना है। कैसे रिव्यू करेंगे? एक बार मॉर्निंग में लिखना है, एक बार नाइट में लिखना है। और आपने लिखना क्या, वो भी मैं आपको बता दूं। आपने लिखना है कि सपोज आपको खेलना है रणजी ट्रॉफी, तो आपने क्या करना है, आपको लिखना है मैं बंगाल से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, राइट। आपका कोई भी स्टेट हो सकता है, या मैं दिल्ली से रणजी ट्रॉफी खेल रहा हूँ, राइट। आई एम प्लेइंग रणजी ट्रॉफी फ्रॉम दिल्ली, आपको ये लिखना है। उसके अलावा आप गोल और लिख सकते हैं एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, कि मैं हर मैच के अंदर 5 विकेट लेता हूँ, राइट। आप ये लिख सकते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा फील्डर हूँ। आप ये लिख सकते हैं कि मैं हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करता हूँ। इस तरह की चीज़ें आपने करनी है। और अगर आप मीडियम पेसर, तो आप लिख सकते हैं कि मैं 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉलिंग कर रहा हूँ या 140 से बॉलिंग कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं और आपने पूरा पेज इन्हीं चीज़ों से भर देना है। हर बार ये लिखना है। एक बार आपने सुबह लिखना है और एक बार आपने शाम को लिखना है, राइट। तो क्या होता है, साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे गोल्स उतरने लग जाते हैं और एक चीज़ हमारे माइंड के अंदर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेकुलर कॉर्टेक्स, राइट। और उस वो चीज़ क्या कंटेन करती है, एक सिस्टम कंटेन करती है, उस सिस्टम को बोलते हैं रेक्टेकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS उसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि जब भी कोई गोल आप अपने माइंड के अंदर मतलब प्रिंट करते हैं, मतलब उस अपने माइंड को कमांड देते हैं कि यार मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, तो आपका माइंड वो इस तरह की चीज़ आपको दिखाना शुरू कर देता है। तो एग्जांपल के तौर पे सपोज आपने कोई गाड़ी देखी अच्छी और आपको लगता है कि मुझे इसका गोल बनाना है, तो आपको आसपास वही गाड़ी नजर आने लगती है। आपने कोई अच्छी बाइक देखी और आपने उसको गोल बनाया कि यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो आपके आसपास उसी तरह की बाइक दिखना शुरू हो जाती है, जबकि वो पहले वहाँ थी, पहले मार्केट के अंदर थी, जहाँ पहले आप घूमने जाते थे पहले वहाँ थी, पहले आपको नहीं दिखती थी, लेकिन अब आपको दिखना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड के अंदर उस गोल को एंटर कर दिया, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो ऐसे आपके गोल सेटिंग होगी और इस तरह आपका फोकस बढ़ेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है, कि आप कैसे इनको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करके चलूंगा वर्क एथिक के बारे में। अगर मैं वर्क एथिक की बात करके चलूँ तो जितने भी इंसान इस दुनिया में कामयाब हुए हैं और हो रहे हैं, उन सब के लाइफ में वर्क एथिक का बहुत बड़ा रोल होता है। वर्क एथिक मतलब कि आपने कमिटमेंट ले लिया कि मैं आज इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करूंगा तो करूंगा, कल सुबह उठ के मुझे वो ट्रेनिंग करनी है तो मेरे को करनी है, राइट। इसको कहते हैं वर्क एथिक। विराट कोहली सर आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, हम सब जानते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग उनका वर्क एथिक नहीं देखते कि वो कितनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं अपनी डाइट को लेकर और अपनी हर एक चीज़ को लेकर, राइट। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी आज इस दुनिया में टॉप पे जा चुके हैं उनका वर्क एथिक होता है। तो आपको वर्क एथिक बनाना पड़ेगा कि मेरे को कितने घंटे ट्रेनिंग करनी है
और वो मुझे डेली करनी है और करनी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चाहे हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करते हो, चाहे 6 दिन ट्रेनिंग करते हो, तो आपको वर्क एथिक अपना बनाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट जो इसी से निकल के आता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, वो है कि गिव योर सेल्फ टाइम। मतलब कि आपको अपने आप को टाइम देना है और अपने गोल को टाइम देना है। कम से कम 3 से 5 साल का पीरियड आपको लेके चलना पड़ेगा, रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे एक सबसे बड़ी गलती करते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन पॉइंट, कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने घर से टाइम लेकर निकलते हैं कि मुझे 2 से 3 साल के अंदर मुझे ये चीज़ क्रैक करनी है, फिर अगले 2-3 साल के अंदर मुझे वो चीज़ क्रैक करनी है। नहीं, सबसे पहले आप एक चीज़ क्रैक करने की कोशिश करो और उसमें ही आपको कम से कम 4 से 5 साल डेफिनेटली लग जाएंगे, राइट। और 4 से 5 साल आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके रिजल्ट आएगा। अगर आप उसके बीच में इंटरफेयर आपके घर वाले करते हैं या कुछ भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। अगर आप सोचते कि 2-3 साल में अचीव कर जाऊँगा, तो गाइज नहीं हो पाएगा। कम से कम आपको 4 से 5 साल देने ही पड़ेंगे, तब जाके वो चीज़ अचीव होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने गोल को टाइम दो, और अगर आप अपने गोल को टाइम नहीं दोगे तो आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका जो साथ है वो किस तरह के लोगों का है, यानी कि एसोसिएट योरसेल्फ विद राइट पीपल। मतलब आपको उन लोगों का साथ पकड़ना है जो ऑलरेडी वो गोल अचीव कर चुके हैं, जो आप गोल अचीव करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप स्टेट खेलना चाहते हैं तो कोई बंदा उसे ऑलरेडी अचीव कर चुका होगा। अगर आप रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते हैं तो आपके स्टेट का बंदा कोई ना कोई रणजी ट्रॉफी खेल रहा होगा। तो उस टीम में जाकर देखो कि आप किससे मिल सकते हो, किससे बात कर सकते हो, कैसे आप उनसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हो, उनके साथ मैच खेलने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। जब आप उनसे बात करने की कोशिश करोगे, उनके साथ मैच खेलोगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी बारीकी आपको सीखने को मिलेगी। और आपको साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, आपको ये समझ में आएगा कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट। आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कैसे? आप जब उनके साथ रहोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो स्टेट टीम के अंदर गए या कैसे रणजी ट्रॉफी की टीम के अंदर गए, क्या क्या प्रोसेस अंदर के होते हैं, वो सब आपको धीरे 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 जानने को मिल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना गाइस, हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात, कि जैसी आपकी संगत होगी ना गाइस, वैसी ही रंगत होगी। तो कोशिश करो अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट होने की, जो ऊपर बढ़ना चाहते हैं, और जो दोस्त आपके टांग खींचते हैं ना, उनसे आज ही दूर हो जाओ। इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 4, डू लेस मिस्टेक्स। आपको कम से कम गलतियाँ करनी है, तभी आप किसी भी गोल को जल्दी अचीव कर सकते हो। आप हमेशा ध्यान रखना, आपके कोचेज जो आपको बता रहे हैं वो हमेशा एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताते हैं। इट मींस कि आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए, और जब तक आप एक राइट गाइडेंस के अंदर मेहनत नहीं करोगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। और सबसे बड़ा भ्रम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि मैं यूट्यूब से सीख के क्रिकेटर बन जाऊँगा। गाइस बिल्कुल भी नहीं बनोगे आप। क्यों? YouTube पर बहुत सारा कंटेंट अपलोड होता है, आपको वहाँ पर एक कोच नहीं मिलता, आपको हजारों कोच मिलते हैं, और आप हर किसी की बात सुनते हो, हर किसी की फिलॉसफी अलग होती है, और आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो आपको एक गाइडेंस चाहिए अच्छी मेहनत करने के लिए। और सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं, मैं आपको एक गलती और बताना चाहता हूँ, कि हम बार बार अकेडमी चेंज करते हैं, हमें लगता है कि इस अकेडमी से चमत्कार हो जाएगा, वो वाले कोच मेरे को खिला देंगे। बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना, कोई आपको नहीं खिलाने वाला, वो आपको गाइडेंस देंगे, आपको उनकी गाइडेंस को फॉलो करना है, मेहनत करना है, और जब आप परफॉर्म करोगे तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे, राइट। और क्रिकेट में एक चीज़ और ना करें, आपकी बार बार क्रिकेट को छोड़ें और पकड़े ना कि यार 3 महीने नहीं खेलता, फिर 4 महीने बाद खेल लूँगा, एग्जाम्स के बाद खेल लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। आपको क्रिकेट को लगातार खेलना है, चाहे आप जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो चाहे आप 1 घंटे के लिए खेलो, लेकिन ज़रूर खेलो, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपने करनी है। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप आगे बहुत जल्दी बढ़ेंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, राइट। सो आई होप कि गाइस आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो कुछ समय के लिए मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, और मैं आपसे मिलने वाला हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एग्जाम के टाइम में भी आप क्रिकेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। विद दिस थैंक यू सो वेरी मच।